जाएंगे। मोहम्मद जयंती अवसर में बरगढ़ सहर में मुस्लिम समाज पक्षर विराट राली अनुषित हो जाए। सोमवार दिन 11 समय बरगढ़ हॉस्पिटल रोड स्थित जमा मस्जिद रु एक विशाल राली बाहरी बरगढ़ एसपी छक गांधी छक ईदगा पड़िया पहुंची। आज मोहम्मद को जन्मदिन अवसर शांति और भाईचारा बजाय रखापी बार्ता देखते बरगढ़ जिलार 17 गोटी मस्जिद में बेस उत्साह मोहम्मद जयंती पालन होता बेले समस्ते शांति मैत्री बजाय रखापी मतव्यक्त करते। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख नजीमुद्दीन बरगढ़ जिला मुस्लिम कमेटी का प्रेसिडेंट। आज ईद मिलादुन नबी के अवसर पर मैं सारे भारतवासियों बरगढ़ वासियों को सबको तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, इसमें ये पैगाम जाता है कि सारे वर्ल्ड में शांति और अमन चैन बनाए रहे। और आज मैं बरगढ़ जिला का हर एक मुसलमान भाई के साथ साथ अपने साथ में जो रह रहे हैं हिंदू भाई हो कि अलगा कम्युनिटी का चाहे सिख हो ईसाई हो, सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बरगढ़ में अमन चैन बने रहे। आज मोहम्मद साहब का जन्मदिन में यही पैगाम जाता है कि अमन चैन बने रहे बोलकर। और आज बरगढ़ जिला का हर एक 17 मस्जिद 17 जगह में पूरा अपना सेलिब्रेशन किया जैसा ऐसे रैली किया जा रहा है। बरगढ़ हेडक्वार्टर में जो आज एक ऐतिहासिक रैली हुआ है उसके लिए मैं सारे प्रशासन को, प्रेस भाई को, हिंदू भाइयों को और हमारे मुसलमान भाई लोगों जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेके रैली को सफल किए हैं इसके लिए मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज बरगढ़ जामा मस्जिद से निकलकर सुभाष नगर नूरी मस्जिद से निकलकर इकट्ठा होकर जो ऐतिहासिक रैली आज आया हुआ है वो आज के लिए बहुत बड़ा पैगाम दे रहा है कि बरगढ़ में अमन चैन रहे। मैं सुन्नी बरेली जामा मस्जिद का प्रेसिडेंट और आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे हुजूर का जन्मदिन है जिसमें ईद मिलादुल नबी। इस मुबारक मौके में मैं अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई को मुबारकबाद देता हूं। और ये आज हमारा बहुत खुशी का दिन है इसलिए हमारा जुलूस निकला था जामा मस्जिद से और जुलूस निकल के हमारा ईदगाह में आया और ईदगाह से यहाँ से सब लंगर लेके जा रहे हैं। अब मैं सबको इस ईद मिलादुल नबी का बधाई देता हूँ।